वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स वाईटी लर्निंग और मैं धवल। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप्स। मुझे ये सजेशंस में मिला था इसलिए मैं आज ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ आपके लिए। तो लेट्स सी कैसे हम स्टार्ट करते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये रिप्रोडक्शन चैप्टर का 50% पार्ट है, हम बोल सकते हैं। इससे एक फिक्स क्वेश्चन कन्फर्म है बोर्ड में। आप देख सकते हो आज तक ये जितने भी 6 टाइप्स हैं ये बहुत बार पूछे गए हैं फाइनल एग्जाम्स में, बोर्ड्स में। तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हम सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेंगे। और जब भी आपको लगता है कि कुछ चीज इंपॉर्टेंट लगी है, आप प्लीज ये सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि आप अगर आप एक बार लिख लेते हो तो उससे आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा एंड दैट्स वेरी नेसेसरी। ओके, तो लेट्स सी कि टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो मेन 6 टाइप के होते हैं। फिजन, जिसके 2 टाइप है, बाइनरी मल्टीपल, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेबल प्रोपेगेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद बाइनरी फिजन। अब फिजन के ना 2 टाइप होता है। फिजन यानी चीजों में डिवाइड होना। फिजन 2 टाइप से डिवाइड हो सकता है, कि बाइनरी अगर वो एक सेल से 2 में कन्वर्ट हो रहा है, मल्टीपल अगर वो एक सेल से अनेक सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो लेट्स सी बाइनरी फिजन। द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स डिवाइड्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है, डिवाइड होता है और फॉर्म करता है टू न्यू ऑर्गेनिज्म, तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। अमीबा रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से। अब ये जो ये पॉइंट्स मैं 3 लिखाने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेट्स फोकस। व्हेन अमीबा रीच इट्स मैक्सिमम ग्रोथ, जब अमीबा मैक्सिमम ग्रोथ तक पहुंच जाता है उसकी, देन फर्स्ट द न्यूक्लियस लेंथन्स एंड डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। तो सबसे पहले जब ये ग्रोथ में पहुंच गया तो ये न्यूक्लियस जो है वो लंबा होने लगा और वो डिवाइड होने लगा 2 न्यूक्लियस में। अब लेटर द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स 1 पार्ट अराउंड ईच न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म का काम है, क्योंकि न्यूक्लियस 2 हो चुके हैं, तो अब साइटोप्लाज्म दोनों न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जमा हो जाएगा और खुद को डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है ईच न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। अब एंड इन दिस वे वन पेरेंट अमीबा डिवाइड्स टू फॉर्म 2 स्मॉलर अमीबा। और इसी तरीके से पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ ग्रोथ फुल्ली ग्रोन अमीबा का, और उसके बाद साइटोप्लाज्म इर्द गिर्द दोनों न्यूक्लियस के जमा हो गया, और इसी तरीके से 2 साइटोप्लाज्म और 2 सेल डिवाइड हो गए और फॉर्म कर गए 2 डॉटर न्यूक्लियर। तो ये था बाइनरी फिजन। नाउ मल्टीपल फिजन क्या है? तो मल्टीपल फिजन सेम ही है, बस एक सेल अनेक सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म। डेफिनेशन दोनों की सेम है, इसमें 2 न्यू ऑर्गेनिज्म, इसमें मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म। अब इसके जो कंडीशंस है वो प्लीज ध्यान से सुनो, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है अच्छे से ध्यान दो। समटाइम्स मैं एक एक पॉइंट पढ़ रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समटाइम्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस अ सिस्ट प्रोटेक्टिव वॉल इज फॉर्म अराउंड द सेल ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जब कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं तो जो सेल होता है, सेल के इर्द गिर्द आप देख सकते हो ये जो बाहरी लेयर है, एक लेयर सेल की है और जो दूसरी बाहरी लेयर है उसे कहते हैं हम सिस्ट। सिस्ट जो होती है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो अनफेवरेबल कंडीशंस के वक्त सेल के इर्द गिर्द उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बन जाती है। अब क्या होता है, इनसाइड सिस्ट न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म मेनी स्मॉलर न्यूक्लियस। अब जैसे ही सिस्ट फॉर्म हो गया, सिस्ट फॉर्म हो जाने के बाद ये जो अंदर का सेल था वो अपने आप को मल्टीपली डिवाइड करना शुरू हो गया। तो सबसे पहले क्या डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। तो जैसे ही वो सिस्ट फॉर्म हुआ, अंदर एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो गए। अब नाउ लिटिल बिट ऑफ साइटोप्लाज्म कलेक्ट अराउंड ईच डॉटर न्यूक्लियस। अब जो अंदर बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस बन चुके थे ना, उसके इर्द गिर्द पूरा साइटोप्लाज्म एक एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गया। अब इन दिस वे न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड सिस्ट। अभी सिस्ट के अंदर ही बहुत सारे जो सेल्स हैं वो फॉर्म हो चुके हैं। पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर उनके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म जमा होने लगा और अब अंदर बहुत सारे सेल्स जमा होकर बैठे हुए हैं। अब क्या होगा कि एंड नाउ ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, अब जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो सिस्ट ब्रेक्स हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, टूट जाएगा एंड रिलीज करेगा सारे डॉटर सेल को ईच फॉर्मिंग न्यू ऑर्गेनिज्म। और जैसे ही वो ब्रेक होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड तो नहीं बोल सकते, जैसे ही वो ब्रेक होगा अंदर के सारे सेल्स जो है वो निकल जाएंगे बाहर, और जब वो निकल जाएंगे हम बोल सकते हैं डॉटर सेल रिलीज। अब डॉटर सेल क्योंकि रिलीज हो गया है तो ये एक सेल से बहुत सारे सेल्स। सो अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज बडिंग। बडिंग क्या होता है बेसिकली? तो बडिंग में क्या होता है, एक जो पेरेंट बॉडी है उसमें से छोटा सा एक बड निकलना स्टार्ट करता है और वो बड आगे जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू पेरेंट, न्यू डॉटर बॉडी बना देता है। तो लेट्स सी कैसे होता है वो। तो सबसे पहले बडिंग में हमें लिखना पड़ेगा, हमें ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना बडिंग में। अगर आपको चाहिए तो मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी नोटबुक में डायग्राम के साथ 5 पॉइंट्स प्लीज लिख लिए, 6 पॉइंट ना। In budding, a small part of body of the parent organism grows out as a bud, which then detaches and becomes a new organism. Now, अब budding में क्या होता है कि small part है body का parent organism का, तो वो grow out होता है as a bud. जैसे कि आप diagram में देख सकते हो कि ये parent body थी, parent body से एक छोटा सा bud form करना शुरू हुआ है और जब ये bud form हो रहा है फिर धीरे धीरे वो new hydra बन जाएगा और फिर वो separate हो जाएगा। तो कैसे होता है ये? तो it is seen in hydra and yeast.
ये हाइड्रा और ईस्ट में देखा जाता है। मैंने लास्ट लास्ट टॉपिक में ना आपको ये मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल नहीं बताया था, दैट इज प्लाज्मोडियम। आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हो, उसमें मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। एग्जांपल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इन सारे टॉपिक्स में। नाउ इट इज सीन इन हाइड्रा एंड ईस्ट, ये जो बडिंग है ये देखा जाता है हाइड्रा एंड ईस्ट में। तो हम हाइड्रा का रेफरेंस लेके ये समझते हैं कि बेसिकली कैसे होता है बडिंग। नाउ इन हाइड्रा स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड इज फॉर्म। हाइड्रा में स्मॉल आउटग्रोथ बड होता है, आउटग्रोथ होता है जिसको हम बड बोलते हैं, वो फॉर्म होना शुरू होता है। कैसे? तो बाय रिपीटेड सेल डिवीजन। रिपीटेड सेल डिवीजन से यहाँ पे एक बड फॉर्म होना शुरू होता है। ये इनका रिप्रोडक्शन का टाइप है। रिप्रोडक्शन इनमें कैसे होता है? तो बडिंग से। नाउ दिस बड देन ग्रोज ग्रेजुअली टू फॉर्म स्मॉल हाइड्रा। और ये जो बड था, जो छोटा सा बड जो आउटग्रोथ हुआ था, वो धीरे धीरे न्यू हाइड्रा बनना शुरू होता है बाय डेवलपिंग अ माउथ एंड टेंटिकल्स। उसका भी माउथ और टेंटिकल्स, टेंटिकल्स देखते हो, इससे टेंटिकल्स बोलते हैं हम। तो ये इसमें टेंटिकल्स और माउथ बनना धीरे धीरे स्टार्ट होता है। पहले बड बनता है, फिर बड में माउथ और टेंटिकल्स बनना शुरू होता है। अब क्या होता है? एंड फाइनली टाइनी न्यू हाइड्रा डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड लिव्स एज अ सेपरेट ऑर्गेनिज्म। और जैसे ही उसमें टेंटिकल्स और माउथ बन जाता है, वो डिटैच हो जाता है। डिटैच हो जाना यानी टूट जाना अपने पेरेंट बॉडी से, और एक सेपरेट न्यू हाइड्रा वो फॉर्म कर लेता है। नाउ इन दिस वे पेरेंट हाइड्रा प्रोड्यूसेस अ न्यू हाइड्रा बाय ग्रोइंग बड्स फ्रॉम इट्स बॉडी। और इसी तरीके से हाइड्रा न्यू बॉडी को, न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, कैन से फ्रॉम इट्स ओन बॉडी बाय क्रिएटिंग अ आउटग्रोथ दैट इज कॉल्ड बड। और क्योंकि ये बड से फॉर्म हुआ है इसलिए इसे कहा जाता है बडिंग। आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए पहले फटाफट। क्वेश्चन आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये चीज आना आप लोग लिख लो। जब भी मैं आपको कुछ चीज पढ़ाता हूँ, आप प्लीज नोटबुक के साथ बैठिए और उसे नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करना इसलिए जरूरी है, एटलीस्ट आपके हाथ में एक बार वो चीज लिखने में आ जाएगी, और उससे आपको वो चीज बाद में भी काम आ सकती है पढ़ने के लिए फॉर बोर्ड्स। नाउ तो स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है, तो मैं पहले अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाऊं तो स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है, आप देख सकते हो ये जो स्पोरेंजियम है, ये एक बंद स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स यानी छोटे छोटे सेल्स जो कि रिप्रोडक्टिव यानी सीड्स जैसे काम करते हैं। ये बर्स्ट होते हैं, बर्स्ट होते हैं तो स्पोर केस फूट जाता है, और अंदर से बहुत सारे स्पोर्स जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं एयर में, जिसके वजह से वो जहां पे भी जाएंगे, वो डैम्प या वार्म कंडीशंस में अगर जाएंगे, ब्रेड के ऊपर जाएंगे या सॉइल के ऊपर जाएंगे, तो वहां पे वो न्यू सेम प्लांट बॉडी को क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। ये सीडलेस है, बट ये स्पोर्स इज नथिंग बट सीड्स हम बोल सकते हैं। क्या है वो? तो वो न्यू प्लांट बॉडी क्रिएट कर सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि सिर्फ सिंगल पेरेंट बॉडी है इन्वॉल्व जो कि न्यू प्लांट बॉडी को ये जन्म दे रहा है। पहले तो इसमें हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स अंदर देखो प्रोड्यूस कर लिया है। प्रोड्यूस करने के बाद इसे कहा उन्होंने कि इसे स्पोर्स कही आप, फिर बोल रहे हैं कि जब ये स्पोर केस फूटेगा यानी कि वो बर्स्ट होगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो व्हेन द स्पोर केस ऑफ प्लांट बर्स्ट द स्पोर स्प्रेड इनटू एयर। तो ये जो अंदर के स्पोर्स है वो सब कुछ बर्स्ट हो जाएंगे और स्प्रेड हो जाएंगे एयर में। अब व्हेन दिस एयर बॉर्न स्पोर्स लैंड ऑन फूड, अब जब ये जो स्प्रेड हो चुके हैं स्पोर्स जो हवा में फैल चुके हैं बर्स्ट होने की वजह से बाहर निकल चुके हैं, ये एयरबॉर्न स्पोर्स लैंड होंगे किसी फूड पे और सॉइल पे, तो अंडर फेवरेबल कंडीशन यानी फेवरेबल कंडीशन हम वार्म एंड डैम्प कंडीशन बोल सकते हैं, तो ऐसे कंडीशन में दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट बॉडी। तो जब ये स्पोर जाएगा उड़ेगा तो सेम वहां पे जहां जाके वो सेटल डाउन होगा वहां पे वो सेम प्लांट बॉडी को फिर से क्या करेगा, क्रिएट करेगा। और इन दिस वे एक पेरेंट बॉडी से न्यू प्लांट बॉडी क्रिएट हुआ, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। इसलिए ये टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेकेंड, इट इज सीन इन राइजोपस एंड म्यूकर। ये राइजोपस एंड म्यूकर में देखा जाता है, दिस इज एग्जांपल ऑफ राइजोपस जो हमने डायग्राम में बनाया है। नाउ इट इज यूज्ड बाय यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर और साथ ही साथ मल्टीसेलुलर में भी आपको स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो स्पोर फॉर्मेशन अगर मुझे डेली लाइफ में देखना हो तो कैसे होता है, तो फॉर एग्जाम्पल टाइनी स्पोर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर इफ वी कीप मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड असाइड फॉर फ्यू डेज। क्योंकि स्पोर्स हमेशा एयर में प्रेजेंट होते हैं, तो मैं एक मॉइस्ट ब्रेड को अगर कुछ दिनों के लिए साइड में रख दूं, तो स्पोर्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड मोल्ड प्रेजेंट इन एयर सेटल ऑन इट। तो जो स्पोर्स होते हैं ब्रेड मोल्ड के जो प्रेजेंट होते हैं एयर में, वो सेटल हो जाएंगे उस ब्रेड स्लाइस पे, और फिर क्या होगा कि एंड फॉर्म्स न्यू फंगस प्लांट, और उसके ऊपर ना फंगस प्लांट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि ब्रेड जो होगी वो इनिशियली कॉटन ही मास क्रिएट करेगी, और लेटर ऑन वो वही कॉटन ही मास ब्लैक में टर्न हो जाएगा। और ईच स्पोरेंजियम कंटेन्स हंड्रेड्स ऑफ माइन्यूट स्पोर्स। और ये जो स्पोरेंजियम होता है, इस स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, ये जो स्पोरेंजियम होता है इसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो डायग्राम में आपको इस तरीके से बनाना है। डायग्राम में ये हाइप कहा गया है, ये स्टेम है, इसे स्पोरेंजियम, इस स्ट्रक्चर को, पैक स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम कहते हैं।
और ये जो जब टूट जाता है तो वहां पे आप लिखोगे स्पोर केस बस्ट, और उसमें से जो स्पोर्स निकल रहे हैं उसे कहोगे आप स्पोर्स बीइंग डिस्पर्स्ड इनटू एयर। ये डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना तो आपको गुड मार्क्स मिलेंगे बोर्ड्स में। और चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट करो आपको और कौन से टॉपिक्स चाहिए। ओके, तो अब हम देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? बेसिकली अगर कोई एक पार्ट बॉडी का टूट जाता है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो वो पार्ट जो है वो पूरी बॉडी क्रिएट कर लेगा, रीजनरेट हो जाएगा पूरी बॉडी में, और दूसरा पार्ट जो टूटा था वो पार्ट भी बॉडी क्रिएट कर लेगा अपने आप में। तो हम बोल सकते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल देखोगे ना फिर आप समझो तो और समझ में आएगा। जैसे कि प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया तीन पार्ट में कट हो गया, तो तीन पार्ट में कट होने के बाद देखो ये सर, पेट और पैर में, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, बूट्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये पार्ट ने पूरा बॉडी क्रिएट कर लिया, इस पार्ट ने भी ऊपर नीचे बॉडी क्रिएट कर लिया, और इस पार्ट ने भी ऊपर का पूरा बॉडी क्रिएट कर लिया। तो ये होता है बेसिकली रीजनरेशन। तो लिखना क्या है एग्जाम्स में, बोर्ड्स में हमें लिखना कैसे है? सो रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट, इज कॉल्ड रीजनरेशन। यानी कि प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ फुल ऑर्गेनिज्म, एक फुल ऑर्गेनिज्म में मिल जाना चाहिए। अगर उसके बॉडी पार्ट्स कट होते हैं तो उसके बॉडी पार्ट्स के कट होने की वजह से अगर न्यू बॉडी हमें क्रिएट करके मिल जाएगी तो हम उसे बोलेंगे रीजनरेशन। एग्जाम्पल आपको देखने मिल सकता है प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया एक प्लेटफॉर्म है जो कि फाउंड हो जाता है, फाउंड मिलता है हमें फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में। नाउ इफ द बॉडी ऑफ प्लेनेरिया समहाउ गेट्स कट इनटू नंबर ऑफ पीसेस, अगर इन केस प्लेनेरिया की बॉडी कुछ नंबर ऑफ पीसेस में कट हो जाती है, सो देन ईच बॉडी पीस कैन रीजनरेट इनटू अ कंप्लीट प्लेनेरिया बाय ग्रोइंग ऑल मिसिंग पार्ट्स। तो अगर वो कट हो जाती है इन केस समहाउ, तो हम बोल सकते हैं कि जैसी वो कट होगी तो ईच बॉडी पीस जो होगा वो रीजनरेट हो जाएगा कंप्लीट प्लेनेरिया में। कैसे ग्रो कर लेगा वो सारे मिसिंग पार्ट। नाउ द रीजनरेशन अकर बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली रीजनरेशन होता कैसे है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो पार्ट टूटे हैं वहां पे उस ब्रोकन पार्ट में सेल डिवीजन होना शुरू होता है। सेल डिवीजन होने की वजह से वहां पे बॉल ऑफ सेल क्रिएट होता है। कैसे? द सेल्स ऑफ कट बॉडी पार्ट्स डिवाइड रैपिडली एंड मेक बॉल ऑफ सेल। जो कट पार्ट होगा बॉडी का वो कट हो जाएगा, और उसके बाद वहां पे डिवीजन ऑफ सेल रैपिडली होना शुरू हो जाएगा, और वहां पे होगा क्रिएट बॉल ऑफ सेल्स। बॉल ऑफ सेल्स क्या है? सो देन दिस बॉल ऑफ सेल बिकम स्पेशलाइज्ड। ये बॉल ऑफ सेल्स है ना, सेल्स का एक बोल सकते हैं हम लोग झुंड है, जो कि क्या करने लगेगा आगे जाके, बिकम होने लगेगा, स्पेशलाइज होने लगेगा। स्पेशलाइज यानी पर्टिकुलर टिश्यू फॉर्म करना शुरू हो जाएगा। नाउ बिकम स्पेशलाइज्ड एंड फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, और उसने हमें अपने आप में डिवीजन होने के बाद बॉल ऑफ सेल ने वो धीरे धीरे एक स्पेशलाइज टिश्यू बनना शुरू हो गया है। तो नाउ विच इन टर्न फॉर्म्स ऑर्गन। और आपको पता है कि स्पेशलाइज होने के बाद सेल जब स्पेशलाइज हो जाते हैं तो वो टिश्यू क्रिएट करता है, टिश्यू स्पेशलाइज होने के बाद एक ऑर्गन क्रिएट करना शुरू करता है। तो नाउ टर्न्स फॉर्म्स ऑर्गन, और ये टिश्यू जो है इन टर्न्स फॉर्म्स ऑर्गन एंड द बॉडी पार्ट्स रिजल्टिंग इनटू अ कंप्लीट रीजनरेटेड ऑर्गेनिज्म। और जैसे ही वो ऑर्गन्स में क्रिएट होना शुरू हो जाएगा तो हमें इन टर्न में एक न्यू बॉडी सामने मिल जाएगी। तो देखते हो आप कि ये प्लेनेरिया एग्जाम्पल में, और ये प्लेनेरिया तीन पार्ट्स में कट हुआ और फिर से हमें तीन प्लेनेरिया मिल गए। फिफ्थ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन करेंगे हम लोग, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, हमें ये पांच पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो तो आपको लिखने पड़ेंगे, प्लस आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, एग्जाम्पल डेफिनेशन, एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा उनका एक्सप्लेनेशन, इतना सब कुछ लिखो कि आपको फुल मार्क्स मिल सकता है फ्रेगमेंटेशन पे। तो लेट्स सी फ्रेगमेंटेशन क्या है बेसिकली। सो द ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप देख सकते हो मल्टी सेलुलर बोला गया है, क्यों वो आखिर में बताऊंगा कि हम यहाँ पे मल्टी सेलुलर का यूज थोड़ा ऐसे दिखावे के लिए क्यों कर रहे हैं। नाउ द ब्रेकिंग अप ऑफ अ बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर, मतलब ब्रेक हो रही है बॉडी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में। नाउ पीसेस ऑन मच्योरिंग, पर ये कब हो रहा है, जब ये चीज मच्योर हो जाती है। तो ब्रेकिंग अप ऑफ अ मल्टी सेलुलर बॉडी इनटू टू और मोर पार्ट्स ऑन मच्योरेशन on which subsequently grows to form a complete new organism, जो कि maturation के वक्त जो break हुए हैं parts, ये भी आगे जाके mature body create कर लेंगे, इसे कहा जाता है fragmentation। यानी fragmentation एक क्या है, तो fragmentation एक multicellular body का टूटना है जब वो mature हो जाती है, और फिर उसका break होकर अलग अलग तीन different body बनाना, दो या दो से ज़्यादा body बनाना fragmentation कहलाता है। Now example ये spirogyra में आपको देखे मिलता है, spirogyra is a green is like a filament green alga plant बोल सकते हैं हम लोग, ये आपको डायग्राम में दिखा है, that is only spirogyra। Now spirogyra filament simply breaks up into two or more fragments into maturation। जब ये maturation हो जाता है spirogyra में, तो वो दो या दो से ज्यादा parts में खुद ब खुद कट हो जाती है अपने आप से, पर maturation होने के बाद, and each fragment then grows into a new spirogyra। और ये जो break होकर parts जो टूटे हैं ये आगे जाके एक mature spirogyra बन जाएंगे। अब
दिस ब्रेकअप ऑफ फिलामेंट ऑफ स्पाइरोगायरा ऑन इट्स ओन, देखो ऑन इट्स ओन हो रहा है ये, ऑन इट्स ओन ड्यूरिंग मैच्योरेशन ब्रिंग्स आउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और क्योंकि ये खुद ब खुद हुआ है और एक ही पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व है इसलिए ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम बताया गया है। नाउ द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन, आप बताइए कि मेन डिफरेंस बिटवीन क्या हो सकता है फिजन और फ्रेगमेंटेशन में। तो फिजन में क्या हो रहा था, सिंगल सेल, यानी कि हम बोल सकते हैं हमने जो फिजन पढ़ा था बाइनरी और मल्टीपल, बाइनरी और मल्टीपल में हमने से एक सिंगल सेल बॉडी ली थी यानी यूनिसेलुलर बॉडी में वो हो रहा था फिजन, बल्कि फ्रेगमेंटेशन आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने नोट किया है कि ये चीज हो रही है मल्टी सेलुलर में। तो क्योंकि इनका मेन डिफरेंस है कि क्योंकि फिजन यूनिसेलुलर बॉडी पे होता है और फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर बॉडी पे होता है, तो ये इनका मेन डिफरेंस में हम लिख सकते हैं कि द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन इज फिजन अकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेयर एज फ्रेगमेंटेशन अकर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप ये डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के लिए आपको ये चीज प्रॉपरली लिखना है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है ये टूट के यहाँ पे इतने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये कब हो रहा है ब्रेक, जब मैच्योर स्पाइरोगायरा हो जाता है तब, और फिर ये तीन स्पाइरोगायरा प्रोड्यूस हो चुके हैं ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन। और मेन बात, आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।